जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू बारामूला स्पोर्ट्स एकेडमी दैट दे हेल्प दीज प्रोग्राम्स. इन प्रोग्राम्स की वजह से हम लोग बहुत कुछ सीख भी पाते हैं. एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है बट स्पोर्ट्स इसमें भी हमें बहुत फ़ायदा भी मिलता है. और ड्रग्स अगर इसके बगैर हम स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे हमें बहुत फ़ायदा भी मिलेगा. गर्ल्स स्पेशली फेस मैनी प्रॉब्लम्स सो टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम इन दिस फील्ड. सो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रिक्वेस्ट द गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्सो टू कम इन दिस फील्ड बिकॉज इट्स रियली गुड फील्ड. जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो कराटी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला की तरफ से प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से पूरी टीम को जिन्होंने हमें यहाँ पे आने की दावत दी है और एक मौका दे दिया है. हम मीडिया से रूबरू हो गए हैं. मीडिया के वसादत से हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान दें और इनको ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए. जो भी इनको कमी पेशी लगे कि इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है. आज हाल ही में आप देख रहे हैं कि यूथ गलत रास्ता चुन रहा है कि जो गलत रास्ता चुन रहा है अगर उसके लिहाज हवाले से इस लाइन पे आ जाए मुझे लगता है कि इस जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं ये बच्चे तब जब इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट मिलेगा. रही बात कि यहाँ के बच्चे जो जम्मू में जाते हैं कराटी एसोसिएशन के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए आने वाले कल में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो यहाँ के बच्चे जम्मू में जाते हैं इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करें इनका प्रोग्राम यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में या इंडोर स्टेडियम में हो जाए ताकि जो भी इनके मसाइल होंगे हर वक्त हम इनके साथ हैं. जो भी प्रॉब्लम होगी हमने इनसे गुजारिश किए कभी भी हमारे ज़रूरत पड़े हम इनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे.